Hey everyone, welcome back to your channel Day Pharma. As you know, this video is Day Pharma second year student subject. यहाँ पे देख रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का. आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है. अगर आपने क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो आपके पास इस समय आज 13 जुलाई ईयर 2022 है, ठीक है. तो अभी तक नहीं सॉल्व किया तो पूरी रात का टाइम है. कल 14 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए. उसको मैंने सुबह ही आपको कम्युनिटी पे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया था. तो अगर आप मिस हो गए हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ. यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लीजिएगा. तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स आप लोग के साथ इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैंने एक ऐसे अंदाज में लिखा था कि मैं खुद ही समझ पा रही थी. ओनली टॉपिक्स की हेडिंग वगैरह यही सब मैंने ज़्यादा लिखा था, इसलिए मैंने आपको नहीं शेयर किया था अपना नोट्स क्योंकि आप लोग नहीं उतना समझ पाते. क्योंकि दूसरे की जो खिचड़ पिचड़ वाली नोट्स होते हैं वो मनुष्य ही सिर्फ समझ पाता है. तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है, व्हाट इज़ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल फार्मेसी हमारा सब्जेक्ट है तो व्हाट इज़ हॉस्पिटल इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. और इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है. तो इसको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन का. और उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स ये हैं. और सेकंड पार्ट देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के ये कुछ पॉइंट्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ओनरशिप में. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है. तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. इसका मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पे क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है. देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन कितने टाइप्स की होती हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक, ठीक है. तो ये इसको लिखा गया है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्टली और बजट, हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं. और यहाँ पे हॉस्पिटल के फंक्शंस दिए गए हैं क्या क्या होना चाहिए. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड शुगर. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए इसके बारे में. अब आइए आगे का देख, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, WBC, नॉर्मल पल्स रेट वगैरह ये सब लिखा हुआ है, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड प्रेशर. तो ये सब मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए मैं आपको सिर्फ देखने के लिए बोलूँगी, ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है. ड्रॉ अ नीट लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इससे सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है आपका व्हाट इज लेआउट, ओके. और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपको दिख रहा होगा, OPD फार्मेसी, IPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी. ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए थे. तो यहाँ पे लेआउट के बारे में थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है. व्हेन वी ड्रॉ एन स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑन पेपर दिस कॉल्ड लेआउट. जो भी स्ट्रक्चर, जैसे ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है किसी पेपर पे किसी बिल्डिंग का, तो उसे क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं, ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ABC एनालिसिस, अलाउ बेटर कंट्रोल. तो ए में क्या होता है, कॉस्टली रहता है, जो ए के डिपार्टमेंट में आता है कॉस्टली ज़्यादा रहता है और क्वांटिटी कम रहती है. बी में क्या होता है, सेम रहता है कॉस्ट और उसकी क्वांटिटी सेम रहती है. सी में कॉस्टली कम होता है और क्वांटिटी ज़्यादा रहती है. यही मेथड होता है एक हॉस्पिटल का, मतलब कि उसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल करने का, किसी भी ड्रग्स को या कोई भी चीज़ को. राइट नोट ऑन कोल्ड स्टोरेज, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ही होना चाहिए. और यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्जिकल ट्रेसिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ सर्जिकल ट्रेसिंग. तो यहाँ पे एवेल्यूएशन ऑफ सर्जिकल ट्रेसिंग, दवा के साथ जब कॉटन बॉन्ड वगैरह
करते हैं तो उसे सर्जिकल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह तो, और एवोल्यूशन ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट। वही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, और एग्जांपल डीआईसी। ड्यूटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की देखिए टाइप्स क्या होते हैं। ओपीडी आउट पेशेंट फार्मासिस्ट, स्टोर पे फार्मासिस्ट होता है, और इस पे फार्मासिस्ट होता है। ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये टैग्स होते हैं, रूल क्या होता है ये सब। अब आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये एक बुक होती है जिससे कि सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत ही लॉन्ग आंसर है ये। क्लिनिकल सेफ्टी और ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फंक्शन ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ब्लड क्लॉट, पेप्टिक अल्सर गैस, हैंडलिंग शेड्यूल एक्स के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये पॉइंट्स हैं सारे। ये न्यू टॉपिक है। पाइरोजन टेस्ट, ये काफी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडी, बॉडी ऑफ ट्रस्टीज। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ओपीडी, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं था इसलिए मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया था, और थोड़ा कभी कभी हम सभी लोगों के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, जिसका सामना करने के लिए हमें अपने काम पर हरदम ध्यान देना चाहिए, और अपने आप ही वो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो चलिए
कोई बात नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और ये सारे हो गए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।